तो हेलो गाइस, नमस्कार। माय नेम इज़ रुपेश पांचाल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 100% गारंटी लेकर के बोलते हैं कि आज के इस वीडियो में जो पार्ट वन है अपना, पार्ट वन है आपका किसका, चैप्टर नंबर वन का, और केमिस्ट्री में है क्लास 11th का, ठीक है। तो आपका इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपको इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 क्वेश्चन बताऊंगा, और आप सभी का 2 से 3 प्रश्न आएगा इस चैप्टर से, जो कि इनमें से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। चाहे तो भैया चैप्टर को छोड़ देगा, वरना क्वेश्चन नहीं आएगा। देख सकते हो आप यहाँ पर कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं आप सभी को बता दूँ भैया, ये जो सारे सारे पेपर वायरल कर रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूँ, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं भैया, आप सभी को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को बता दूँ भैया, पेपर अभी तक नहीं आया है, और आ भी जाए नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए मैं आप सभी को बताऊँ, मध्य प्रदेश में आके 52 जिले, 52 जिले, और 52 पेपर आएंगे तो कितनी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसलिए मोस्ट IMP कीजिए, वो फटाफट से सिलेबस पूरा कीजिए, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आपके जिले वाले कोई भी दे सकते हैं अभी, ठीक है। जिले से पेपर बन रहा है, हम यहाँ पर ये क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए एक उत्तर भी देखेंगे। पहला प्रश्न है द्रव्य के संरक्षण का नियम लिखिए, उदाहरण भी दीजिए। दूसरा रहेगा स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण सहित। तीसरा है रहेगा गुणित अनुपात का नियम उदाहरण सहित समझाइए। चौथा अवोगाद्रो का नियम क्या है, ठीक है। ये जो चार प्रश्न है ऊपर के ऊपर, इन चार में से तो एक प्रश्न 100% आना है, ठीक है। अगला देखिए सीमांत अभिकर्मक, ये भी मुझे लगता है आने वाला है। मूल अनुपाती सूत्र और अणुसूत्र यानी कि आणविक सूत्र में अंतर, या फिर इन दोनों को उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है, या तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगला सार्थक अंक वाला देखेंगे, सार्थक अंक को गणना करना, ये 100% आएगा, भौतिक विज्ञान में भी आया था। अगला देखिए गेल उसेस का नियम लिखिए, ठीक है, गेल उसेस का, ठीक है। अगला देखिए क्या मोलरता और मोलरता में अंतर बताइए। अगला देखिए मोल और अवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हो, ठीक है। चलिए अब इनका आंसर देखते हैं, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न था अपना द्रव्य के संरक्षण का नियम उदाहरण सहित लिखिए, तो देख लेते हैं अपन ये इसका उत्तर, इसका आंसर क्या रहने वाला है। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो प्रश्न है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक क्रिया में द्रव न तो नष्ट होता है, न ही उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान व रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। उदाहरण के लिए ये देख सकते हो, ठीक है, उदाहरण भी पूरा पूरा छाप देना, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला था अपना स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। ये प्रश्न देख सकते हो, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है, ठीक है। अगला देखिए इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है यौगिक के अणुओं में भार अनुसार तत्वों का अनुपात निश्चित पाया जाता है, यह यौगिक के प्राप्त करने की विधि पर निर्भर नहीं करता, यही क्या है, स्थिर अनुपात का नियम होता है। इसका उदाहरण देख सकते हो आप, ये लिख देना इसका उदाहरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक और नियम था, एक और प्रश्न था कि गुणित अनुपात का नियम उदाहरण से समझाइए, ठीक है। तो देख सकते हो यह प्रश्न 2018 में भी आया, 19 में भी आया, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस नियम को हम कैसे लिखेंगे, किस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व भिन्न भिन्न मात्रा को जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है या करता है, परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती है। उदाहरण के लिए आप ये लिख देना, ठीक है, उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मोस्ट IMP का आंसर, ठीक है। अगला था अपना कि गे-लुसेक का नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए इस प्रकार लिखना है, गे-लुसेक का नियम, जब गैस आपस में संयोग करती है तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, यदि उनके संयोग से बना पदार्थ भी गैस हो तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा, जबकि सभी आयतन एक ही ताप व एक ही दाब पर नापे जाए। उदाहरणार्थ या आप ये लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपना अगला प्रश्न था अवोगाद्रो का नियम। तो देख सकते हो अवोगाद्रो का नियम ये है, किस नियम के अनुसार समान ताप व समान दाब पर सभी गैसों के आयतन समान होने पर उनमें गैस के अणुओं की संख्या भी समान होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन था अपना मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है। तो देखिए मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है, जबकि मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। लिख लिख कर याद करोगे तो याद हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, सीमांत अभिकर्मक क्या है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह क्रियाकारक जो दूसरे क्रियाकारक की दी गई मात्रा से
क्रिया करने के लिए आवश्यक मात्रा में उपस्थित ना हो सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। अर्थात आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित क्रियाकारक सीमांत अभिकारक या सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। ये प्रश्न भी 2019 में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न था अपना क्या, मूल अनुपाति सूत्र और अणु सूत्र को उदाहरण देकर समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर आपसे को गूगल पर मिल जाएगा, सर्च कर लेना। ठीक है, मिल जाएगा, ये पूरा पूरा ये का ये सर्च कर दो, ये का ये लिख दो। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं बताया कि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और फिर आपसे भी नहीं देख पाते। एक बात और बता दूँ, ये प्रश्न 2019 में भी आया और 2020 में इस प्रकार से आया, इसलिए आपसे को इन दोनों को अलग अलग करके भी याद रखना है और अंतर भी याद रखना है। ठीक है, अगर अंतर याद कर लोगे तो अलग अलग तो याद रह ही जाएगा, दिमाग का यूज़ करना है बस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो क्या था, मोल और अवोगाड्रो संख्या से आप कैसे समझते हो। ठीक है, एवोगाड्रो इंग्लिश में बोलते हैं इसको और अवोगाड्रो हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या को मोल कहते हैं। यह 6.023 गुणा 10^23 के बराबर होती है। इस संख्या को अवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। 6.023 × 10^23 परमाणु अणु अथवा आयन को 1 मोल परमाणु कहते हैं, या 1 मोल अणु या 1 मोल आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सारे सर आंसर लिखा दिए। अब आपसे को एक बात बोलना चाहूँगा यार, वीडियो को क्या करना है, आपसे को शेयर करना है। इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 1K लाइक और 1K व्यूज़। अगर आपसे ने इन दोनों में से एक भी टारगेट कम्प्लीट करवा दिया तो मैं अगली वीडियो ला दूंगा और आपसे के लिए आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।